मिस नितिन और आपका स्वागत है नितिन टेक भिवाड़ी के एक और नए एपिसोड में। और आज इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि हम नेटबीन्स के अंदर क्लास कैसे बना सकते हैं। तो हमें नेटबीन्स के अंदर क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हमें नेटबीन्स खोलना होगा। तो मैं नेटबीन्स पर डबल क्लिक करता हूँ। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो डबल क्लिक से खुल जाएगा। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं खुल चुका है। उसके बाद फर्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा होता है नेटबीन्स का। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा नेटबीन्स इंस्टॉल करने की, अगर आपके लैपटॉप में नेटबीन्स नहीं है तो, या डेस्कटॉप में। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो फोल्डर सा आइकन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा और इसमें लिखा होगा जावा एफएक्स। आपको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको जावा पे क्लिक करके जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और रहा आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होगा, तो मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। क्रिएट मेन क्लास पर क्लिक करके रखना होगा और फिनिश पर क्लिक कर देना होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा क्लास बना रहा है, ये मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है आप देख सकते हैं। और ओपनिंग प्रोजेक्ट 100% हो चुका है, अभी ये खुलने ही वाला है प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट खुल चुका है। अब हमें क्लास बनानी होगी। हमने अब प्रोजेक्ट बना लिया, अब हमें क्लास बनाने के लिए सबसे पहले रहा जो आइकन दिख रहा है प्रोजेक्ट का, हमें इस आइकन पर क्लिक करना होगा। तो इस पर मैं क्लिक करने के बाद मेरे का नाम क्या था, जावा एप्लीकेशन 14, मेरे प्रोजेक्ट का नाम था जावा एप्लीकेशन 14। आपको इस पर प्लस पे क्लिक करके सोर्स पैकेज पे क्लिक करना होगा और जावा एप्लीकेशन 14 पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके जावा क्लास पे क्लिक करना होगा। रहा क्लास का नाम दे देना होगा, तो मैं रहा क्लास का नाम दे देता हूँ नितिन और मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा वैसे ही आप देख सकते हैं मेरी क्लास बन चुकी है। अब आप इसमें अपनी कोडिंग कर सकते हैं, जो कोडिंग आपको करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।